ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से आज राहत नहीं मिली है। दिल्ली की आबो हवा अभी भी काफी बिगड़ती हुई, अभी भी दिल्ली में जो AQI लेवल है वो 400 के करीब दर्ज किया गया है। 306 देश की राजधानी दिल्ली एनसीआर में सांस लेने पर संकट लगातार बरकरार है क्योंकि प्रदूषण का स्तर अभी भी कम नहीं हुआ है। और ऐसे में दिल्ली के अलग अलग इलाकों की अगर बात की जाए तो वायु प्रदूषण में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, AQI लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में सरकार भी चिंतित है तो वहीं दिल्ली एनसीआर के लोगों की भी चिंताएं बढ़ी हुई हैं क्योंकि प्रदूषण जो है वो लगातार दिल्ली की आबो हवा में लगातार अपना कहर बरपा रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं अक्षरधाम पर और अक्षरधाम पर देखें तो पूरा मंदिर भी आप साफ तौर पर खुली आंखों से नहीं देख पाएंगे क्योंकि धुंध जो है वो चारों तरफ छाया हुआ है आसमान में। और दिल्ली के अलग अलग इलाकों में अगर AQI लेवल की बात की जाए तो दिल्ली का AQI लेवल 356 है, लोधी रोड पर 346, दिल्ली विश्वविद्यालय की अगर बात की जाए 388, एयरपोर्ट T2 T3 ट्रिलियन की बात की जाए 440, नोएडा 409, मथुरा रोड 392, IIT दिल्ली 372, गुरुग्राम 362, ग्रेटर नोएडा की बात की जाए तो 500 के ऊपर AQI लेवल पहुंच चुका है। आसमान में आप देखें तो चारों तरफ आपको धुंध की चादर ही नज़र आएगी और यह बहुत ही घातक है बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए, सांस लेने में दिक्कत, आँखों में जलन। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि कई तरह की बीमारियां भी इस प्रदूषण की वजह से लोगों को परेशानी में डाल सकती है। कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आपको बता दें कि दिल्ली सरकार को, पंजाब सरकार को फटकार लगाई थी क्योंकि जिस तरह से पराली लगातार पंजाब और हरियाणा में जलाई जा रही है, पंजाब सरकार को पंजाब के किसानों पर नियंत्रण रखने के लिए लगातार उन पर सवाल उठाए गए थे तो आखिर क्यों किसानों पर कार्रवाई नहीं हो रही है। और ख़ास तौर पर जो लोकल पुलिस स्टेशन के SHO हैं उनके इलाके में अगर पराली जलाई जाती है किसानों के द्वारा तो उन पर कार्रवाई की जाए, ऐसा SHO को आदेश दिया गया है, सरकार ये सुनिश्चित करे। कैमरामैन साहिल अंसारी के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24 दिल्ली।